नमस्कार, मैं हूं डीजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज पर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को सामने आए कोरोना के रिकॉर्ड केस से तीसरी लहर का अनुमान लगाना सही नहीं है। उनका कहना है कि एक दिन के आंकड़े से दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर का संकेत नहीं माना जा सकता है। उन्होंने कहा यह कहना बेहद जल्दबाजी होगी कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी आ चुकी है, हमें एक सप्ताह और इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि हम इस फेस में ही हो। दरअसल एक तरफ जब राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना को लेकर खुशखबरी मिल रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में पहली बार डेली कोरोना केस के मामले में बुधवार को नया रिकॉर्ड बन गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़े में कहा गया कि दिल्ली में बुधवार को 5673 नए केस आए। एक दिन में नए कोरोना केस का आंकड़ा 5000 पार करने का ये पहला मामला है। इसे लेकर आशंका जताई जाने लगी है कि पहला पीक जून में आया था और दूसरा सितंबर में, अब फिर से अचानक आई उछाल कहीं कोरोना की तीसरी लहर का संकेत तो नहीं है। दिल्ली में कोरोना केस की बढ़ती संख्या के पीछे कई कारण गिनाए जा रहे हैं, जिनमें प्रदेश सरकार की तरफ से टेस्टिंग में तेजी लाने, त्योहारी सीजन में भीड़ जुटने, नियमों को लेकर लोगों की लापरवाही और मौसम में बदलाव आदि कई प्रमुख हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, मुझे लगता है कि इसके लिए तीन कारक जिम्मेदार हैं, बदलता मौसम, कोविड की रोकथाम के नियमों के प्रति लोगों की लापरवाही और शायद प्रदूषण। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो दिल्ली का हेल्थ सिस्टम चरमरा जाएगा। दिल्ली में बुधवार को 17,284 आरटीपीसीआर टेस्ट जबकि 83,000 से ज्यादा रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए। इस तरह कुल 60,571 टेस्ट किए गए और इनमें से 9.3% सैंपल पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 8.19%, मृत्यु दर 1.73% और पिछले 10 दिन के आंकड़ों के आधार पर मृत्यु दर 0.99% है। दिल्ली में बुधवार को 40 कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है, जबकि 4,128 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।